वसंत पंचमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। डियर स्टूडेंट्स, आज इस प्रैक्टिस सेट में हम कर रहे हैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2, जिसमें कुल 10 प्रश्न हैं। ये प्रश्न बिहार दरोगा के मुख्य परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको इनका प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि बिहार परीक्षा में ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। अगर आप हिंदी पेपर को क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आपका पेपर 2 यानी GS का पेपर भी चेक नहीं होगा। दरोगा का मुख्य परीक्षा अप्रैल से मई के बीच में होने की संभावना है, तो आपको अभी जो समय मिला है उसमें आपको हिंदी और इक्वली GS पे ध्यान देना होगा। तो चलिए इस सेट में जो कुल 10 प्रश्न है उसको हम प्रैक्टिस करते हैं। पहला प्रश्न है, भाषा में स्वतः उच्चारित ध्वनियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? आपको ये बताना है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी स्वर। भाषा में स्वतः उच्चारित ध्वनियों को क्या कहा जाता है? स्वर कहा जाता है। स्वर क्या होता है? हम मुख से कुछ भी बोलते हैं तो उसमें क्या होता है? स्वर का उच्चारण होता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रचूर सामासिक पद में कौन सा समास है? आपको समास के बारे में पढ़ना है। ये टॉपिक्स आप कंप्लीट करते रहिए, बहुत इजी टॉपिक्स हैं, क्लास 10th लेवल के हैं। आप कोई सा व्याकरण उठाएंगे आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी बहुव्रीहि समास। चंद्रचूर में बहुव्रीहि समास है। इसका अन्य अर्थ क्या है? इसका अन्य अर्थ शिव है। द्रौपदी का चीर मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आपको ये बताना है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी ऐसी वस्तु जो समाप्ति न हो। द्रौपदी का चीर मुहावरे का अर्थ है कि ऐसी वस्तु जो समाप्ति न हो। आपको मुहावरों को पढ़ना है, ये चीजें एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभ्युदय का विलोम क्या है? आपको ये चुनना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी पतन। अभ्युदय का विलोम पतन होगा, क्योंकि अभ्युदय का अर्थ क्या होता है? वृद्धि होता है, जबकि पतन यहाँ पर क्या होता है? पतन का अर्थ नष्ट होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। व्यंजनों का सही विकल्प क्या है इनमें से? आपको व्यंजन के बारे में पढ़ना होगा। इसमें आपको सही विकल्प चुनना है, व्यंजनों का सही विकल्प क्या है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी श श और स। व्यंजनों का सही क्रम श श और स है। ये व्यंजन क्या कहलाते हैं? इन व्यंजनों को हम उष्म व्यंजन कहते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाएगा? आपको यह बताना है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी हरियाली। हरियाली में भाववाचक संज्ञा है। इसमें आली प्रत्यय जोड़ने से भाववाचक संज्ञा बनी है। ये जो आली है वो क्या है? प्रत्यय जोड़ने से भाववाचक संज्ञा बनी है, इसलिए हरियाली क्या है? भाववाचक संज्ञा है। सम उपसर्ग से बना है। आपको बताना है कि सम उपसर्ग से इसमें क्या बना है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी संयोग। इसमें सम जो है उपसर्ग है, इसका विच्छेद क्या होता है? सम प्लस योग होगा। इसमें व्यंजन संधि है, जब म के बाद क से लेकर म तक के वर्णों को छोड़कर अन्य कोई वर्ण आता है तो म का अनुस्वार हो जाता है, इसलिए जो संयोग है वो सम उपसर्ग से बना है। रीडिंग मेक्स अ मैन परफेक्ट, राइटिंग मेक्स एन एग्जैक्ट मैन का अनुवाद करना है आपको। ऑप्शंस देखिए और इसका उत्तर कीजिए। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी पढ़ने से व्यक्ति पूर्ण बनता जबकि लिखने से व्यक्ति उचित बनता है। आपको अनुवाद करने के लिए प्रश्नों में दिया जाएगा, तो आपको इनको अच्छे से करना है। सरप्लस के लिए सही पारिभाषिक शब्द इनमें से क्या है? आपको यह बताना है। सरप्लस, इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी अधिशेष। अधिशेष यानी अतिरिक्त। सरप्लस का मतलब होता है अतिरिक्त। और जो आखिरी प्रश्न है वो आपको ये है, स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है। आपको बताना है इसमें स्त्रीलिंग कौन है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी संसद जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। आप अपने स्कोर्स को मिला लें, ये एक प्रैक्टिस सेट है, 10 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट करने में कुछ नहीं आता है। आप अपने स्कोर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हिंदी बहुत अनिवार्य है, आप इसको इग्नोर ना करें। अगर आपका हिंदी क्वालिफाइंग
नहीं निकलेगा तो आपका जीएस पेपर टू भी चेक नहीं होगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जिनको पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं एग्जामिनेशन बुद्धा के नाम से। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको शेयर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, टेक केयर।